और एक मिनट, जिनका है बुक ऑफ मिस्ट्री, लेकिन एक मिनट इसमें क्या लिखा है, यस टेल मी वट एवर यू वॉन्ट टू नो, तो प्लीज मेरे को नल के बारे में जो जो पता है वो सारी चीजें बताओ। ओ फाइनली गाइस, इसमें लिखा गया नल के बारे में। सबसे पहले हीरो ब्राइन ने अपने थोड़ी सी पावर्स प्लस एंडरमैन के सेल्स को मिलाकर एक नए मॉब को बनाने का एक्सपेरिमेंट चालू किया। ये कहां गया मैं, कुकी मैन इस बार तू गया। ओ एक मिनट, ये क्या है, ओ ये हो क्या रहा है भाई, क्या ये, ओ इसको डैमेज हुआ, बुकीमैन को डैमेज हुआ, अब गया ये। अब देखो हिला मत बुकीमैन, हिला मत, अगर हिले तो मार दूंगा। अब मेरे पास कितना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है उसका एक छोटा सा नमूना तो तुमने अभी देख ही लिया, और अगर अब तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कोई भी चालाकी मत दिखाना मेरे को, और जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका चुपचाप मेरे को जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ, वरना तुम्हें मारने में ना मुझे एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरा दोस्त जिन कहाँ पे है, हो ना हो जिनके साथ तुमने कुछ किया है, तो जल्दी बताओ जिन कहाँ पे है। ओ नल हैज ट्रैप्ड जिन, ओ इसका मतलब नल ने जिन को ट्रैप करके रख रखा है, तो मुझे जल्दी ये बताओ कि नल कहाँ पे है और वो जिन को कहाँ पे लेके गया है। जिन पता नहीं सही सलामत होगा कि नहीं, जल्दी बताओ नल कहाँ पे है। ओ नल हैज टेकन जिन इन दिस पाथ, ओके मतलब नल जिन को इसी पाथ पर लेके गया है, ओके लेकिन इस पाथ पे आगे जाके है क्या। खैर मेरे को ये बताओ कि वो जिन को लेके क्यों गया अपने साथ, तुम्हें जो भी पता है मेरे को बता दो, वरना तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वापिस बुला रहा है वो किसको वापिस बुला रहा है, किसको वापिस बुला रहा है वो, लेकिन मुझे नहीं पता किसको। ओके मतलब तुम्हें नहीं पता, तो यार आखिर नल किसको वापिस बुला सकता है। अब यहाँ पर आकर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज मेरा जो आखिरी दोस्त जिन था उसको भी नल ने ट्रैप कर लिया था और मैं बचा था अकेला। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि अगर नल ने मेरे दोनों फ्रेंड्स को ट्रैप कर रखा है तो मैं भी बुगीमैन को ट्रैप करके उससे अपने दोनों दोस्त वापिस ले लूंगा। अब ये मैं करने ही वाला था, लेकिन तभी फिर से एक बार मैं सोचता हूँ और तभी मेरे को याद आता है जो मेरे को उस मैजिकल बुक के थ्रू पता चला था कि अगर नल को वापिस से मैजिकल वर्ल्ड में ट्रैप करना है तो नल को उसी मैजिकल वर्ल्ड में लेके जाना पड़ेगा और वहां के एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करना पड़ेगा, और इसके बाद देखो अब मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो अब कोई चलाके नहीं चलेगी तुम्हारी, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो करो। मैजिकल वर्ल्ड का दरवाजा बनाओ जिस वर्ल्ड से नल आया उस वर्ल्ड का, और फटाफट मेरे को उस वर्ल्ड में लेके चलो, और कोई भी चलाके दिखाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह नाइस, ठीक है अब चलते जाओ इसमें, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, चलो। हाँ चलो। अब मैं जैसी मैजिकल वर्ल्ड में आया यहाँ पर बुगीमैन धीरे धीरे हील हो रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भागे, इसलिए मैं उसको अगेन डैमेज देता हूँ। ओह हिलना मत वहां से, अब हिलना मत बिल्कुल, अब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो फटाफट करते जाओ, और अभी तक तुम मेरी बात मान रहे हो इसलिए तुम जिंदा हो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। खैर अभी के लिए फटाफट अब नल को बुलाओ। ओह मैं ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते, नल मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तुम ट्राई तो करो, वो आएगा, क्यों नहीं आएगा नल, नल को तुम्हारी टेंशन नहीं है क्या, नल तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहता, आखिर नल का और तुम्हारा रिश्ता क्या है। ओह बहुत टाइम पहले की बात है जब हीरो ब्राइन ने नल को इस मैजिकल वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया था, एंड नल के पास सिर्फ एक रास्ता था यहाँ से निकलने का, कि कोई नॉर्मल प्लेयर इस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन को मारे तभी नल यहाँ से निकल पाएगा। अब हीरो ब्राइन ने नल को इस वर्ल्ड में ट्रैप किया था, इसलिए नल हीरो ब्राइन से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पावर्स की मदद से मुझे बनाया, बिकॉज वो निकल नहीं सकता लेकिन कोई और तो निकल सकता है, इसलिए नल ने मुझे बनाने के बाद मेरे से बोला कि जाओ मेरे लिए लेकर आओ और मुझे इस वर्ल्ड से निकालो। अब बहुत ईयर से मैं बहुत सारे वर्ल्ड में गया लेकिन लोग मेरी हेल्प करने की जगह मुझसे डरते और घूमते घूमते मैं आया तुम्हारे वर्ल्ड में, और जब मैं आया तो मैंने तुम्हारे वर्ल्ड में एंटिटी 303 को देखा जिसने तुम्हारे वर्ल्ड के कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और तब मैं एंटिटी 303 को नॉर्मल प्लेयर समझकर उससे मदद मांगने गया, बिकॉज मेरे को तब नल और एंटिटी 303 की पास्ट की लड़ाई के बारे में नहीं पता था। अब एंटिटी 303 नॉर्मल प्लेयर नहीं था और उसने जैसे ही नल का नाम सुना वो मुझे मारने ही आने वाला था, लेकिन तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि नल को मैं निकाल दूंगा लेकिन उसके बदले उसको हीरो ब्राइन को मारना होगा और मेरे अंडर काम करना होगा। अब वो सारी बात आकर मैं नल को बताता हूँ और नल उसकी शर्तें एक्सेप्ट कर लेता है। मैं जैसे ही तुम्हारे वर्ल्ड में वापस गया वहां मुझे एंटिटी 303 नहीं मिला और मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला, इसलिए फिर मैंने तुम दोनों को ही देखा और जिनको देखा। अब मेरे पास एक पावर है जिससे कि मैं किसी की भी शैडो बन सकता हूँ, अब मैंने तुम्हारी शैडो बनने की कोशिश करी जिससे मुझे तुम्हारे साथ रहकर एंटिटी
303 के बारे में पता चल सके, लेकिन मैं तुम्हारी शैडो नहीं बन पा रहा था बिकॉज कोई चीज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर मैंने जिनी की शैडो बनने का ट्राई करा लेकिन मैं उसका भी नहीं बन पाया। लेकिन फिर मैंने तुम्हारे फ्रेंड की ट्राई करा तो मैं इजिली उसकी शैडो बन गया। फिर मैं तुम्हारे साथ रहा, फिर नल ने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसा वैसा किया, जैसे कि होमांस को तुम्हारे वर्ल्ड में ना आने देना, होमांस के वर्ल्ड में मैजिकल डोर खोलना जिससे कि तुम नल के मैजिकल वर्ल्ड में जाकर नल को आजाद कर दो, और तुम्हारे प्लान्स जानकर नल को बताना। ओ शिट, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था और हम इसमें पागलों की तरह फंसते चले गए। अब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके नल को तुम्हें यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा बिकॉज नल के पास मेरे दो दोस्त हैं, जिन और होमांस, और मुझे कैसे भी करके उनको वापस सही सलामत लाना है। तुम्हारे पास ये आखिरी ऑप्शन है नल को बुलाने का, मुझे नहीं पता कैसे भी बुलाओ पर बुलाओ। ओह ओके, आई एम ट्राइंग। हाँ ट्राई करो, जल्दी बुलाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओह मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है जल्दी करो। नल, तुम फाइनली आ ही गए, मेरे को तुम्हारा इंतजार था। अब देखो मुझे पता चल चुका है कि मेरा फ्रेंड जिन तुम्हारे पास है और साथ साथ मेरा फ्रेंड होमांस भी तुम्हारे पास ही है, तो अब फटाफट टाइम आ चुका है उन दोनों को आजाद करने का, तो फटाफट उनको छोड़ दो। ओह क्यों, अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ये जो फ्रेंड है ना बूगीमैन, इसको तुम आखिरी बार देखोगे। तो अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें बूगीमैन को लास्ट बार देखना है या फिर मेरे फ्रेंड्स को फ्री करके बूगीमैन को अपने साथ लेके जाना है। बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स को तो किसी ना किसी तरीके से आजाद करवा ही लूंगा, लेकिन बूगीमैन को तुम लास्ट बार देखोगे, तो फैसला कर लो अब। ओह ओके, ये रहे तुम्हारे दोस्त, ये हुई ना बात, तो कहाँ है मेरे फ्रेंड्स? ओह फाइनली जिन तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया और मुझे तुम्हें वापस देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं तो डर ही गया था कि तुम एकदम से कहाँ चले गए। खैर अभी के लिए नल, अब मेरा एक और फ्रेंड तुम्हारे पास है और जो कि बहुत टाइम से तुम्हारे पास है, तो प्लीज उसको जल्दी छोड़ दो बिकॉज काफी टाइम हो गया उसको देखे हुए। ओह होमांस फाइनली तुम आ गए। ओह आराम से आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, अभी अभी कुछ मत पूछना। फाइनली मैंने तुम दोनों को आजाद करा लिया। जिन तुम यहीं पे हो ना, और होमांस तुम भी यहीं पे हो। डैडी ये चल क्या रहा है? होमांस बहुत कुछ हो गया अभी, खैर मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। और जिन अगर तुम मेरी बात अभी सुन रहे हो ना, तो सच में भाई दुनिया उलट पुलट कर दी तुमने तो। ओह अब बूगीमैन को छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, उसमें नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे फ्रेंड सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने से चले जाए, बिकॉज मेरे को भरोसा नहीं है कि तुम क्या कर दो। ओके जिन तैयार हो जाओ, और बूगीमैन तुम हिलना मत यहाँ से, अगर कोई भी चलाकी दिखाई तुम दोनों ने तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। खैर अभी के लिए जिन जल्दी यहाँ से जाने की तैयारी करो, ठीक है? होमांस जाओ जल्दी जाओ, ठीक है? हिलना मत तुम दोनों में से कोई भी, ठीक है? जिन सच में तुमने दुनिया उलट पलट कर दी, जाओ, बहुत बढ़िया। तो नल, जैसे कि अब हमारी डील हुई थी, मेरे दोनों दोस्त जा चुके हैं, कि मैं बूगीमैन को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ दोगे तो। लेकिन उससे पहले नल, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे वर्ल्ड में क्या करने आए थे, लेकिन तुमने यार मेरा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करके मतलब अच्छा नहीं करा। खैर अब मेरे को मेरे फ्रेंड वापस मिल गए, वो अच्छी बात है, तो अब मेरे फ्रेंड से दूर रहना। और मेरा वर्ल्ड तो तुमने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। खैर बूगीमैन तुम अब जा सकते हो। और नल, तुमने मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करा और अब मैं तुम्हारा वर्ल्ड छीन लूंगा भाई। ओ जिन, मेरे को तो नहीं पता यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि हमने जब एंडर ड्रैगन को मारा तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ हुआ है, बिकॉज तभी होमांस के अंदर वो नल नाम की चीज आ गई थी। अब हो ना हो एंडर ड्रैगन का इससे कुछ लेना देना तो है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ कीवर्ड्स बना ले, बिकॉज इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाए या फिर कोई भी आ जाए तो हम कीवर्ड के थ्रू एक दूसरे को मैसेज दे सकें। लेकिन हाँ, तुम्हारी ये जो पोर्टल खोलने की पावर है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे को जब भी तुमसे ये बोलना होगा ना कि
पोर्टल खोल दो फटाक से और मेरे को कीवर्ड में बोलना होगा, तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगा दुनिया उलट पुलट कर दो। और अगर मेरे को किसी का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें इशारा करना होगा तो मैं कीवर्ड बोलूंगा डायमंड। और हो ना हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मैं तुम्हें उस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन को वापस रिस्पॉन करने के लिए बोलूं, तो उसके लिए मैं दो बार बोलूंगा दुनिया उलट पुलट कर दो, दुनिया उलट पुलट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है जो कि तुमको याद रखने हैं। ओह ओके, ओह यस फाइनली मैं आ गया। टिन, हमने जो कीवर्ड बनाए थे फाइनली वो काम आए। देखो मेरे को स्टार्टिंग से ही लग रहा था, बिकॉज जब हमने एंडर ड्रैगन को मारा था तभी होमांस नल में कन्वर्ट हुआ था। वो तो अच्छा हुआ हमने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार थे और हमने कुछ कीवर्ड्स बना लिए थे। अब मैंने तुम्हें सिग्नल दिया और भाई फाइनली तुमने जाके अपना काम कर दिया, और अब देख सकते हो नल नहीं आ पा रहा बिकॉज तुमने एंडर ड्रैगन को रिवाइव कर दिया था, और एंडर ड्रैगन के रिवाइव होने के बाद में नल आ ही नहीं पा रहा बिकॉज उस वर्ल्ड का एंडर ड्रैगन वापस जिंदा हो गया और नल भी उस वर्ल्ड में है। और मैंने बूगी मैन को ही मार दिया। अब बूगी मैन को मारना पड़ा, उसकी मतलब ज्यादा कोई गलती नहीं थी लेकिन मेरी भी एक मजबूरी थी। खैर तुम दोनों मेरे को खुश क्यों नहीं दिख रहे, मतलब हम फाइनली ये वाली लड़ाई जीत चुके हैं। हाँ हाँ खुश हैं हम दोनों। खैर तुम मेरे से कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? जिन कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ओह मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जब नल ने मुझे ट्रैप किया था तो वो मुझे एक अजीब सी जगह पर लेकर गया था। उसने मेरे से वो बुक मांगी जो हीरो ब्राइन तुम्हें देके गया था, तो मुझे ना चाहते हुए भी वो बुक उसे देनी पड़ी बिकॉज मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। एंड बुक लेने के बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं, एंड बुक लेने के बाद उसने उस बुक के साथ क्या किया मुझे ये नहीं पता। ओ तो ये बात है, तुम मेरे से इतनी देर से ये वाली बात छुपा रहे थे, मतलब वो आखिरी चीज थी हीरो ब्राइन की मेरे पास जो हीरो ब्राइन मेरे को देके गया था और तुमने उसको इतनी आसानी से दे दी। ओह मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी इसीलिए। यार जिनी खैर छोड़ो कोई नहीं, अब उसके पास वो बुक है भी तो वो क्या ही कर लेगा बिकॉज अब तो वो मैजिकल वर्ल्ड में ट्रैप है ना, और वहां से अब वो मुश्किल ही निकल पाएगा। तो वेट गाइज हम चिल कर सकते। ओह होप सो कि सब कुछ ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही होगा यार, अब तो सब कुछ खैर ठीक ही हो गया है। खैर गाइस फाइनली काफी ज्यादा टाइम बाद सब कुछ सही हुआ है, लेकिन भाई वर्ल्ड की हालत बेकार हो गई है, पूरा वर्ल्ड हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हर बार तो यार हीरो ब्राइन रिकवर कर देता था लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो गई है और लगता है हमको ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। चलो तो गाइस अब सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो अब यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं। ओह चलो तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे को वेपन एंड मैजिकल बुक दे दो, उनको उनकी सही जगह पर वापस पहुंचाना है। ओके और सच में ये मैजिकल बुक यार काफी ज्यादा कमाल की है और ये अभी के लिए मेरे को बाय बोल रही है, तो चलो ये ले लो तुम वापस सारी चीजें। चलो तो मैंने तुम्हें फाइनली सारी चीजें दे दी। जिन बाय, अगर और कुछ काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। होप सो अब तुम्हें दोबारा बुलाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मिलने आते रहना तुम हमसे, ठीक है? ओके बाय। ओह फाइनली जिन भी चला गया। होमांस अब देखो वर्ल्ड की क्या हालत हो गई है, अब इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। टेडी हाँ, मुझे कुछ आपसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी वजह से हीरो ब्रांड ने फायदा उठाया था और मेरी वजह से एंटिटी 303 ने भी फायदा उठाया और नल ने भी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण ही कुछ गलत हो रहा है। तो अब हाँ अब क्या? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इस वर्ल्ड में वापस नहीं आऊँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण किसी और मुसीबत में पड़ो। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये वर्ल्ड जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है और हम दोनों ने साथ में मिलकर इसे बनाया है, और ये सब बोल क्या रहे हो तुम? अब हीरो ब्राइन बेशक हमारे वर्ल्ड में आया हो और उसने स्टार्टिंग में तुम्हारा फायदा उठाया हो, और अगर उसने तुम्हें ट्रैप न किया होता ना तो शायद ही हमें आज इतना अच्छा दोस्त मिलता हीरो ब्राइन जैसा। और एंटिटी 303 और नल ये सब किसी ना किसी वजह से आए, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब दोनों बार उन्होंने तुम्हें ट्रैप किया मानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें छुड़ा भी तो लिया और लास्ट में हर बार सही हो जाता है, लेकिन इस बार सही नहीं हुआ क्योंकि हीरो ब्राइन नहीं था। अब हीरो ब्राइन नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो तुम इन सब का ब्लेम अपने ऊपर मत डालो। नहीं टेडी मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्त अपन हमेशा रहेंगे और मिलते जुलते भी रहेंगे। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। नहीं मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा। यार अब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। चलो मुझे सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, इस वर्ल्ड का एक एक ब्लॉक मैंने तुम्हारे साथ में लगाया था और आज तुम जा रहे हो। ठीक है ओके बाय। बाय टेडी। बाय। तो फाइनली गाइस
हमांस भी चला गया, जिन भी चला गया, हीरो ब्राइन भी चला गया, और अब मैं इस टूटे फूटे वर्ल्ड में अकेला बचा हूँ। अब मेरे को नहीं पता यहाँ से आगे मेरी जर्नी कैसी होने वाली है। और सच बताऊँ तो यार, इस टाइम मैं हुमांस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से मेरी सर्वाइवल सीरीज देख रहे हो पहले एपिसोड से, तो आपको तो पता ही होगा कि पहले एपिसोड से टिल अभी तक मैंने जितनी भी फॉर्म्स या जितनी भी सारी चीज़ें बनाई है वो हुमांस के साथ बनाई है। और अभी के लिए हुमांस इन सारी चीज़ों से परेशान होकर चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने उसे ज़्यादा रोका क्यों नहीं, बिकॉज वो भी अपनी जगह सही था, क्योंकि पिछली तीनों बार हमेशा उसके साथ ही हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, और हमारे वर्ल्ड के साथ भी, और शायद इन सारी गलतियों की चीज़ें वो अपने ऊपर ले रहा है। अब उसकी जगह कोई भी होता तो यार वो भी ऐसे ही सोचता। खैर अब जो भी हो, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। मेरे को वो पुराने सारे पल याद आएंगे जो कि यार मैंने हुमांस के साथ बिताए थे। देखो सिर नीचे करो। हाँ घूमो यार, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। अरे ये क्या कर दिया, अरे नीचे लाओ, अरे मर गया। ओ भाई अब सारा गया, सारा सामान गया मेरा। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी पिकेक्स रख दी थी। ओ भाई याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने भाई ये जो कहाँ पे स्पॉन हुए हो तुम? चल क्या अंदर। यार कैसा लगा आवाज? कहाँ पे हो तुम? और अभी के लिए वो जा चुका है, और यहाँ से आगे की जर्नी मेरे को अकेले ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, खैर जो भी होगा तो अब देखा जाएगा। लेकिन इन द एंड मैं ये बोलूँगा कि फाइनली हमारे वर्ल्ड का एक लास्ट विलन जो कि नल था वो जा चुका है, और होप्स अब आगे कुछ भी ना हो, सब कुछ सही चले, जो कि आज फाइनली यहाँ पे आके ख़त्म होती है नल के खिलाफ, और नल भी मैजिकल वर्ल्ड में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुका है। तो बस गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी को ऐसी ही एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज। पीस। It's all about humanity. जल्दी बुलाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओ मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है जल्दी करो।